वालेकुम भाई, कोरोना है तो सोशल डिस्टेंसिंग करो। उनकी तनख्वाह उनको जो 10,000 रुपए महीने को मिलता था 2,000 में था, उनका घर नहीं चल पा रहा है। सर स्ट्राइक है तो ऐसे कंप्लेन बताओ अच्छा तुम्हारे उनका आइडेंटिफाई करते बैच नंबर नाम वाम देखे थे क्या कुछ भी क्या भाई मारे गए थे ना क्या तुम कोई देर में है ना वापस बॉयज है जो पूरे शहर हैदराबाद में रेस्टोरेंट से हर एक हैदराबादी के घर को उसके जायके का खाना जो पहुंचाते हैं उनके रोज़गार का मामला था और उनकी आमदनियों में कंपनी के जानिब से कई कटौतियां की गई। जो स्विगी का एक बंदा जो महीने में 15,000 से 20,000 रुपये कमाता था, नई पॉलिसी के बुनियाद पर वो महीने में सिर्फ 2,000 से 3,000 रुपये कमाएगा। इसके एहतजाज में जो स्विगी के तमाम जो डिलीवरी बॉयज थे उन्होंने आज स्ट्राइक कॉल की थी ताकि वो एक जमहूरियत में अपने डिमांड्स कंपनी के सामने रख सके, मगर कंपनी वालों ने उनके खिलाफ केसेस बुक कराकर उनके पार्टनर्स जो दूसरे जो डिलीवरी के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके थ्रू इनके ऊपर केसेस बुक कराने की कोशिश की गई और दबाव बनाया गया। हमारी ये गुजारिश थी आज यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में से जिन्होंने उन्हें ऑनर की, जो बच्चे जो जमहूरियत में जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनको इजाज़त दी जाए और उनको गैर जरूरी हरासा ना किया जाए इनके फॉल्स कंप्लेनों पे। और आपके ज़रिए से मैं कंपनी जो स्विगी है उनके जिम्मेदारों को ही बोलना चाह रहा हूँ कि आप बेशक आप तरक्की करें, आपको शहर हैदराबाद से आपकी आपको कमाई है, मगर आपकी कमाई को बढ़ाने के लिए आप हज़ारों की तादाद में जो बच्चे आपके लिए काम करते हैं उनके रोजगार से आप नहीं खेल सकते। उनके डिमांड्स को आपको मानना होगा, उनके डिमांड्स को आपको सुनना होगा और उनका रोजगार सही तरीके से उन्होंने जिस तरीके से कमिटमेंट से आपके कंपनी में काम करते हैं वो कमिटमेंट से आपको उनको रोजगार देना होगा और उनका मेहनताना देना होगा। उनके जगह पे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों को लाते हुए उनके पेट पे लात आप मना नहीं सकते। और ये लोग एहतजाज करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, बराबर इनका जमहूरी हक है और खुदा ना खास्ता इन पे कोई आफत आती है तो सदर मजलिस के हुक्म पे इंशाल्लाह मैं हर मोड़ पे तमाम जमात इनके साथ ठहरेगी और इनके इनको पुरजोर इनको ताउन करेगी। आज जो बंजारस में कंप्लेंट हुई, ये कंप्लेंट की वजह क्या है और कंप्लेनर का नाम क्या है, कंप्लेनर कौन है इसमें? कंप्लेनर कोई नहीं है, ये जो स्विगी है और उनके जो पेरेंट उनके जो पार्टनर्स है डिलीवरी पार्टनर्स जो नए हुए जिनकी वजह से अपने करीबन अपने हैदराबाद के 50,000 लोगों के पेट पे लात पड़ रही है, उन लोगों ने एक फॉल्स कंप्लेन 100 पे की और जब कंप्लेन देने का टाइम आया वो पीएस को भी नहीं आए। ये करीबन 50,000 बच्चे हैं जो अपनी रोजगार के लिए लड़ रहे हैं और कोई भी कंपनी आकर यहाँ पर अपने बच्चों को इस्तेमाल कर उनके पेट पे लात नहीं मार सकती, उनको बराबर उनका हक देना पड़ेगा। हम मैं रेस्टोरेंट से भी गुजारिश करता हूँ
कि ये पूरे जो बच्चे हैं स्विगी के, ये पूरे हैदराबाद के गरीब घराने के लड़के हैं जो मेहनत कर अपना घर चला रहे हैं। आपका ताउन इनके साथ होना चाहिए। स्विगी को थोड़े दिन के लिए रोकिए, इनका साथ दीजिए ताकि ये अपने डिमांड्स जो है जमहूरी इंदाज में अपने कंपनी के सामने रख सके और अपने रोजगार को और अपने घर को बचा सके। अब बच्चों को क्या उस पे छोड़े, यहाँ पे से दो बच्चों को जो अरेस्ट करके लाए, कोई कंप्लेन नहीं थी, सिर्फ एक फॉल्स कंप्लेन के बुनियाद पे उनको पकड़ा गया था। हम यहाँ पे आए, बात की और उनको हम छुड़ा कर लेके जा रहे हैं। जो फॉल्स कंप्लेन करे उस पे आप कुछ आपकी तरफ बराबर उसके ऊपर हम एक रिटर्न कंप्लेन दिए हैं और इंशाल्लाह ताला उस पे कार्रवाई भी होगी। शुक्रिया। बंजारा हिल पीएस में एक फेक कंप्लेन आई थी कि हम लोग के खिलाफ हम लोग फोन छीन ले रहे हैं, गाड़ी छीन ले रहे हैं बोलकर, उस मुद्दे पे आकर हम लोग को पकड़ लिया गया है। यहाँ पीएस को लेकर आए तो वो जो बंदा अगेंस्ट में कंप्लेन करा वो बंदा अवेलेबल यहाँ पर आया नहीं, आकर रिटर्न में भी कंप्लेन नहीं दिया। हम लोग स्विगी की तरफ से स्ट्राइक कर रहे हैं, हम लोग को जो पे आउट की तरफ से जो बेस कम मिल रहा है हम लोग उसके माध्यम से वो कर रहे हैं कि हम लोग को हमारा जो हक मिले, जो हमारा पहले का पे आउट था हमारा जो 35 रुपए में कर रहे थे हम लोग, तो उस हिसाब से हम लोग को। अरे एक्स हमारे मेयर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से करना चाहते हैं हम हमको आकर माजिद साहब सपोर्ट करे, सदर साहब की तरफ से सदर साहब का सपोर्ट है हम लोग को, हम लोग बरकरार ये तो हम लोग बरकरार रखेंगे हमारी स्ट्राइक आगे भी ऐसे भी जब तक हम लोग के डिमांड नहीं मारेंगे। हमारे साथ हमारे सदर साहब है, माजिद साहब है, अल्लाह का फजल करम है पूरे हमारे साथ है हमारे मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन। शुक्रिया। स्विगी में डिलीवरी पार्टनर हूँ, स्विगी में प्रोटेस्ट चल रहा था क्रीमस्टोन के पास, तो वहाँ पर कोई फेक कंप्लेंट करे कि मैं उनका फ़ोन छीन लिए हम लोग और उनकी गाड़ी छीन लिए बोल के, तो फेक कंप्लेंट पे वो लोग आए थे, पुलिस वाले आके पकड़ के लेके गए थे हम लोग को, मारे भी और प्रोटेस्ट के लिए। फिर माजिद हुसैन साहब को मालूम हुआ तो वो आए 3 नंबर PS को, पुलिस स्टेशन को आके वो छुड़ाए, और जो फेक कंप्लेंट करा था कि जो भी झूठ बात बोल के, वो अभी तक तो उसको पकड़े नहीं, भी कौन है क्या है नहीं मालूम हुआ उसका, तो अभी रिटर्न कंप्लेंट करे उसके बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कहना चाहूँगा मैं माजिद हुसैन साहब का, जो वक्त एंड टाइम वक्त पे आके हम लोग को छुड़ा निकाल लिए यहाँ से, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा माजिद हुसैन साहब का।